नगर निगम के वार्ड संख्या 1 शाहपुर तिगरी से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनी प्रियंका द्वारा बुधवार को डोर टू डोर जनसंपर्क किया गया और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर वोट करने की अपील की गई। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। प्रियंका का ये कहना था कि देश में डबल इंजन की सरकार धमाल कर रही है, सबका साथ सबका विकास वाले पैटर्न पर काम किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में विकास पर कार्य किया जा रहा है, हम जहां जहां जा रहे हैं जनता का भरपूर प्यार हमें मिल रहा है। शाहपुर तिगरी वार्ड 1 से वे उम्मीदवार हैं और उन्हें जनता से पूरा सहयोग मिल रहा है। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में महिला एवं पुरुष मौजूद रहे। सिटी चैनल से बात करते हुए वार्ड संख्या 1 शाहपुर तिगरी से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका द्वारा कहा गया, वार्ड नंबर 1 शाहपुर तिगरी, क्या प्राथमिकताएं हैं आपका, क्या क्या कराने का है आपका, जीतने की क्या क्या? अगर मैं इस वार्ड से जीती हूँ तो साफ सफाई के लिए सड़कें टूटी हुई है जो उसका विशेष ध्यान रखना है, लाइटों का खंभे लगवाने हैं, पानी की व्यवस्था पूरी करवानी है। अपनी जनता से मैं यही अपील करूंगी कि भाई वो मुझे भारी मतों से विजयी बनाए ताकि मैं उनके जितने भी सारे काम जो रुके हुए हैं उनको पूर्ण करवा सकूं। अभी तक आप क्या कमी देखे, क्या कमियां थी वार्ड में अभी तक? हमारी वार्ड की बहुत सारी सड़कें अभी भी रह गई हैं जो टूटी हुई हैं, नाले बनवाने हैं। इस मौके पर काफी तादाद में उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।